जो कुछ यहाँ पर कर दिया ना आयरा ने भी आके इन लोगों के घर में, इस तरह से होने आगे कि भी आयरा के भाई को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ना है, जिसकी वजह से आयरा ने इसको कह देना है भाई जैद को कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ और भाई मेरे और तुम्हारे रास्ते अलहदा अलहदा हैं। वैसे भी मैं किसी शादीशुदा मर्द के साथ ना अब रिलेशनशिप नहीं रख सकती। अगर जी अब जो है ना जैद ने इसका पीछा नहीं छोड़ना, और आगे हमें यूं भी दिखाया जा सकता है कि भी जैद दूसरी शादी करे आयरा के साथ, या हमें फिर भी रिलेशनशिप में ये लोग दिखाए जाएंगे, क्योंकि जैद ने जो है अब स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बाप जो है ना वो उसके मतलब आयरा के भाई आमिर के साथ कुछ भी करवा सकता है। अब ये हमें थोड़े इस तरह के सीन्स दिखाए जाएंगे। दूसरा, जैद जो है वो मुबशरा को बहुत ज़्यादा इग्नोर करेगा और उसे बात बात पर इस चीज़ का एहसास दिला आएगा कि भाई ये शादी जो है ना ये ज़ोर ज़बरदस्ती की बेस पर हुई है, और हो सकता है कि भाई गाड़ी में उसको लेने आए और रास्ते में ही उसको